हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वन शॉट वीडियो, जिसे देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन जो होते हैं वो यूनिट के जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज सिमिलर टू व्हाट, इट इज सिमिलर टू यूनिट्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख के समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा है क्वांटिटीज, जो कि है मास, एक क्वांटिटी ले ली फिजिकल क्वांटिटी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और ये जो क्वांटिटी है मास, उसका यूनिट तो केजी होता है, लेकिन उसका डायमेंशन क्या हो गया? उसका डायमेंशन हो गया कैपिटल एम। हम इसे कैपिटल एम रेस टू वन भी लिख सकते हैं या कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, यानी कि मास का डायमेंशन हो गया एम। उसी तरीके से लेंथ, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट होता है मीटर, लेकिन लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल एल या एल रेस टू पावर वन। उसी तरीके से टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है? सेकंड। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा? टाइम का डायमेंशन होगा कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी रेस टू वन। तो बस हमें ये तीन चीजें याद रखनी है, क्या? मास का डायमेंशन होता है एम, लेंथ का डायमेंशन होता है एल और टाइम का डायमेंशन होता है टी। और ये जो अपना MLT है, ये MLT को हम बोल देंगे फंडामेंटल डायमेंशंस। फंडामेंटल डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? MLT, बाद में A आएगा, थीटा आएगा, वो धीरे धीरे देखते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फंडामेंटल डायमेंशन MLT होते हैं। अब ये डायमेंशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का यूनिट तो हमें पता है मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका डायमेंशन क्या होगा एमएलटी के फॉर्म में, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना है? वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वेलोसिटी लिख लिया हमने। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? मीटर में मेजर होता है, तो मीटर लिख लिया। टाइम्स किस में मेजर होता है? सेकंड में मेजर होता है। बस अब हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का डायमेंशन ढूंढना है। तो मीटर यानी क्या? लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल रेस टू वन, तो लेंथ का डायमेंशन एल रेस टू वन, यानी ये मीटर का डायमेंशन आ गया, लेंथ का डायमेंशन आ गया, डिवाइड बाई सेकंड, सेकंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, तो टी रेस टू वन आ गया। तो इसको हम लिख सकेंगे एल रेस टू वन और टी का पावर ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा। हमें तो एम भी चाहिए, एमएलटी में हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी डायमेंशन को। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल डायमेंशन है। तो यहां पे m तो है नहीं, तो हम क्या कर देंगे? m का पावर जीरो रख देंगे। किसी भी चीज का पावर अगर जीरो करते हैं तो वन के बराबर आता है। m रेस टू जीरो यानी कितना? वन। सो l रेस टू वन, t रेस टू माइनस वन। तो ये जो हमारा वेलोसिटी है उसका डायमेंशन क्या हो गया? एम रेस टू जीरो, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस वन। अब ये जो पावर है, ये जो पावर है वो लिख ली यहाँ पे जीरो वन माइनस टी। तो ये जो पावर है एक्चुअल में, उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? तो बोर्ड पे लिखा है डायमेंशन यानी आर दी पावर। डायमेंशन क्या होते हैं? हमेशा पावर होते हैं विथ विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। ये जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है एम एल टी, वो कितने पावर से रेज्ड है, कितना पावर है उस पर, वो पावर को हम क्या बोलेंगे? वो पावर को डायमेंशन बोलेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। डायमेंशन यानी क्या? जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके ऊपर कितना पावर है, वो पावर को हम क्या बोल देंगे? डायमेंशन बोल देंगे। और दूसरी एक चीज, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम है तो उससे हम उसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट लाइन लिखी है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर यूनिट्स। अगर डायमेंशन पता लगा लिए हमने तो उसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे वापस से क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एम रेस टू जीरो, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस वन, यही लिखा है। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन ये है, तो उसका क्या फाइंड करना है हमें? यूनिट फाइंड करना है। तो कैसे यूनिट फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे लिख लिया डायमेंशन वेलोसिटी का एम रेस टू जीरो, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस वन। एम रेस टू जीरो यानी वन के बराबर अभी देखा, तो एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस वन हो जाएगा। ये टी को नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। बाद में एल क्या है? एल तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट मीटर होता है, तो यहां पे मीटर रख दिया हमने। और टी किसका फंडामेंटल क्वांटिटी है? टाइम का। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, तो यहां पे सेकंड लिख लिया। यानी हमें क्या मिल गया? हमें ये जो फिजिकल क्वांटिटी टी थी, जिसका हमें डायमेंशन दे के रखा था, उसका हमें यूनिट पता लग गया। तो ये एक्चुअल मीनिंग होता है डायमेंशन का, कि कितने पावर से रेज है, और वो पावर पता है हमें तो हम उसका यूनिट भी ढूंढ सकते हैं। थोड़े और प्रैक्टिस कर लेते हैं डायमेंशंस। जैसे कि फर्स्ट यहां पे दिया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन ढूंढना है, उसका इक्वेशन हमें पता है पी बराबर एम वी, नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। एम क्या होता है? मास, मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड।
केजी यानी मास, मास का डायमेंशन एम रेस टू वन, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल रेस टू वन, सेकंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन टी रेस टू वन। बस ये टी रेस टू वन को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस वन। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन ढूंढना है तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमें मालूम है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड लिख लिया, और वन डिवाइडेड बाय सेकंड, टाइम नीचे है तो वन डिवाइड टाइम का सेकंड यूनिट लिख लिया, ठीक है। बाद में मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल एस टू वन, ये नीचे सेकंड, सेकंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, ऊपर वन पावर, और ये भी सेकंड, सेकंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, टी रेस टू वन हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल रेस टू वन कर दिया, नीचे टी का पावर वन, टी का पावर वन, बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो टी स्क्वायर आ जाएगा, ये टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, हमें तो एम एल टी के फॉर्म में चाहिए, एम है नहीं तो एम रेस टू जीरो कर देंगे, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। नेक्स्ट जाते हैं फोर्स का डायमेंशन ढूंढने। अब फोर्स का जो यूनिट इक्वेशन है वो हमें पता है एफ बराबर एम ए, मास यानी यूनिट के जी, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अभी हमने देखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये के जी है, के जी का डायमेंशन क्या होगा मास, मास यानी एम रेस टू वन, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, एल रेस टू वन, सेकंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, पावर दो है तो दो लगा दिया, ये टी को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू, यानी कि ये जो फोर्स का डायमेंशन है वो है एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू। अब ये फोर्स का डायमेंशन हमें याद रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर ये फोर्स का डायमेंशन हम याद रखते हैं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हम आसानी से ढूंढ पाएंगे, वो कैसे वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें फोर्स का डायमेंशन याद रखना है। क्या है फोर्स का डायमेंशन, एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू, ये वाला याद रख लेंगे, एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें किसका डायमेंशन ढूंढना है, प्रेशर का डायमेंशन ढूंढना है। प्रेशर का इक्वेशन भी हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमने याद रखा है, ये रहा एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू। एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, उसका पावर दो तो दो लगा दिया। अब यहां से एक एल, एक एल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एल रेस टू जीरो आ जाएगा, नीचे एल रेस टू वन आ जाएगा, जीरो और वन आ गया, ये एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल रेस टू माइनस वन आ जाएगा, यानी प्रेशर का डायमेंशन होगा एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू। थोड़े और प्रैक्टिस करते हैं जिससे करके अच्छे से इसमें ग्रिपिंग आ जाए हमें। नेक्स्ट है वर्क। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये भी हमें पता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं, फोर्स देते हैं, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उस पर से हम क्या बोलेंगे, वर्क इज डन। यानी कि आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, इफ यू विल अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इफ ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वी कैन से वर्क इज डन। सिंपली वर्क का इक्वेशन फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन हमने याद रखा था कौन सा था, एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू। डिस्टेंस यानी मीटर, एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू। मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल रेस टू वन, ये एल का पावर वन, वन यानी एल का पावर टू हो जाएगा, तो वर्क का डायमेंशन होगा एम रेस टू वन, एल स्क्वायर, टी रेस टू माइनस टू। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है कौन सा, कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वर्क क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। अगर अपने हाथों को हम ऐसे करते हैं यानी वर्क देते हैं तो क्या होगा, हमें हीट मिलेगा, यानी वर्क और हीट एनर्जी दोनों सिमिलर है, दोनों कन्वर्टेड है, यानी वर्क का जो डायमेंशन होगा वो भी हीट एनर्जी का डायमेंशन होगा, जो हीट एनर्जी का डायमेंशन होगा वही सारी एनर्जी का होगा, क्यों, अल्टीमेटली एनर्जी है। यानी वर्क क्या है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के डायमेंशन भी वर्क के जितने ही होने चाहिए, इसका मतलब ये निकला, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का डायमेंशन भी वर्क के जितना होगा। कैसे, वो वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ढूंढना है, ये क्या है, एनर्जी है, वर्क क्या है, वो भी एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन भी इतना ही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में, वन हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे वन हाफ को हम निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं डायमेंशन का, यानी डायमेंशनल एनालिसिस जो कर रहे हैं, वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता, वो एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो यहां पे लिमिटेशन लिख के रखा है कि डायमेंशनल एनालिसिस विल नॉट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू हमें देगा नहीं। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कहां से लाते हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बाद में कांस्टेंट यहां पे रख लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता। तो वन हाफ निकाल दिया हमने, एम बी स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, एम यानी मास,
केजी में आएगा, और वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, पूरे का पावर 2 लिख लिया, केजी मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर 2 दे दिया, ठीक है। बाद में केजी यानी मास, मास का डायमेंशन m रेस टू 1, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, ऊपर पावर 2, सेकंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन t का पावर 2, बस ये t को ऊपर ले जाओ, सो m रेस टू 1 l स्क्वायर t रेस टू माइनस 2 आ जाएगा। क्या ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वर्क जितना ही है? हाँ वर्क जितना ही है, यानी प्रूव हो गया वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक और एनर्जी देख लेते हैं और अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेके रखा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े थे, कौन सा था? यू इज इक्वल टू एम जी एच। एम यानी मास, केजी में आएगा, जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 पढ़ के आए थे हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच यानी हाइट, मीटर में आ चुका है। यहाँ पे केजी इंटू ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे स्क्वायर आ जाएगा। केजी यानी मास, मास का डायमेंशन एम रेस टू 1, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल का पावर 2, सेकंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन टी पावर 2, तो एम रेस टू 1 एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर है? हाँ वर्क के बराबर है, यानी वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ लेते हैं, अब कुछ ऐसे डायमेंशन देखते हैं जो हम हमारे अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए खाली हमें उसका इक्वेशन याद रखना है और कुछ नहीं, अपकमिंग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इक्वेशन आता है एम आर स्क्वायर। एम यानी मास, मास यानी केजी, आर यानी रेडियस या डिस्टेंस, किसमें आएगा? यूनिट मीटर में आएगा, ठीक है। केजी यानी मास, मास का डायमेंशन एम, एम रेस टू 1, और मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, एल का पावर 2। अब यहाँ पे टी है नहीं तो टी रेस टू 0 लगा लेंगे, तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन का इक्वेशन होता है टी, सरफेस टेंशन यानी टी फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का डायमेंशन हमने याद रखा था, कौन सा था? एम रेस टू 1 एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 2, लेंथ यानी मीटर, ठीक है। सो एम रेस टू 1 एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल रेस टू 1। अब ये एल कैंसिल यानी एल रेस टू 0 आ जाएगा, तो ये रहा किसका डायमेंशन? सरफेस टेंशन का डायमेंशन। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉर्क। टॉर्क भी हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन हमने याद रखा था एम रेस टू 1 एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 2, डिस्टेंस यानी मीटर, तो यूनिट लिख लिया। सो एम रेस टू 1 एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 1 मीटर यानी लेंथ, लेंथ यानी एल का पावर 1। ये एल का पावर 1, ये एल का पावर 1 क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, यानी इसका टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा एम रेस टू 1 एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस है वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। तो स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये इसका इक्वेशन है। फोर्स का डायमेंशन हमने याद रखा था एम रेस टू 1 एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 2, एरिया हमेशा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। सो एम रेस टू 1 एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 2 मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल का स्क्वायर, तो यहाँ से एक एल कैंसिल, ऊपर एल रेस टू 0, नीचे एल रेस टू 1, ये एल रेस टू 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये रहा क्या? स्ट्रेस का डायमेंशन। अब हम एक और न्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन सा? कि क्वांटिटीज विच आर डायमेंशन लेस, ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास कोई डायमेंशन होते नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं यानी एम रेस टू 0 एल रेस टू 0 टी रेस टू 0 डायमेंशन लेस है। अभी तक जितनी क्वांटिटी हमने पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटी, उसके सबके पास डायमेंशन थे, लेकिन अब जो देखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास डायमेंशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास यूनिट्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ले लिया स्ट्रेन, स्ट्रेन भी हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। स्ट्रेन का नोटेशन होता है, सिंबल होता है एप्साइलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ आता है मीटर में, ठीक है, चेंज इन लेंथ और लेंथ दोनों मीटर में आते हैं। मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल रेस टू 1, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, एल रेस टू 1, यानी कितना हो जाएगा? एल रेस टू 1 एल रेस टू 1 कैंसिल, यानी 1 माइनस 1 0, यानी एम रेस टू 0 एल रेस टू 0 टी रेस टू 0। यानी यहाँ पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेन, वो डायमेंशन लेस है। क्यों डायमेंशन लेस है? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो डायरेक्टली मीटर पर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो उसके पास डायमेंशन भी नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं लाइट चैप्टर में, 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v1 बोल देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v2 बोल लेते हैं। वापस से क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड यानी ये क्या हो गया? यूनिट लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं एल रेस टू 1 टी रेस टू 1 सेकंड का
कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये अपना एल एस टू जीरो, टी एस टू जीरो, एम एस टू, यानी क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्यों डायमेंशन लेस हो गया, क्योंकि यहां से ही देख सकते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल, ये क्या हो गया, यूनिट लेस। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास यूनिट नहीं होते उनके पास डायमेंशन भी नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्वांटिटीज विच डोंट हैव डायमेंशन, जिसके पास डायमेंशन नहीं होते, जिसके पास डायमेंशन नहीं होते डोंट हैव द यूनिट्स, उनके पास यूनिट भी नहीं होते। अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली कौन सी है, कि क्वांटिटीज विच हैव यूनिट्स, लेकिन क्वांटिटी के पास यूनिट तो है तो क्या डायमेंशन होगा, तो आंसर है नहीं, डायमेंशन नहीं भी हो सकता, मे नॉट हैव द डायमेंशन। ठीक है, अगर अगर हमारे पास उसका जो यूनिट है पर लेकिन डायमेंशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसकी एश्योरिटी नहीं है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी है एंगल, एंगल के पास यूनिट तो है, क्या है, डिग्री, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशन लेस है, यानी इसका डायमेंशन होगा एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो। उसी तरीके से आता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल यानी थ्री डायमेंशन का एंगल, एंगल यानी टू डायमेंशन का एंगल, ये हो गया थ्री डायमेंशन का एंगल। सॉलिड एंगल उसका यूनिट तो है जो कि है स्ट्रेडियन, लेकिन उसके पास डायमेंशन है नहीं, यानी उसका डायमेंशन कितना है, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो। तो एक बात तो समझ में हमें आ गई, कौन सी, कि अगर क्वांटिटी के पास, ये पहले नंबर की बात, अगर क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है, अगर क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है तो उसके पास यूनिट भी नहीं है, तो उसके पास यूनिट भी नहीं है। ठीक है, दूसरी क्या बात समझ में आई, कि अगर क्वांटिटी के पास यूनिट है, अगर क्वांटिटी के पास यूनिट है तो उसके पास डायमेंशन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास यूनिट तो है मीटर पर सेकंड, तो उसका डायमेंशन भी है एम रेस टू जीरो, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस वन। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी भी है जिनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज कंफर्म हम बोल सकते हैं, कौन सी, ये थर्ड पॉइंट लिखा है, क्या, क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशन, जिसके पास डायमेंशन है उसके पास यूनिट तो होना ही होना है। क्यों, क्योंकि डायमेंशन हम कहाँ से निकालते हैं, यूनिट पे से निकालते हैं, यानी डायमेंशन आया इसका मतलब यूनिट है, लेकिन यूनिट है इसका ये मतलब नहीं है कि डायमेंशन होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल हमने देख लिए। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल देते हैं। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है तो हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V बराबर IR, हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो R को सब्जेक्ट बनाएंगे, V बाय I हो जाएगा। अच्छा, अब ये V को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वोल्ट का कोई डायमेंशन है नहीं। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अगर करंट को फ्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा। फोर्स कौन देगा, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फोर्स देगा, यानी फोर्स कौन देगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। फोर्स किस पे देगा, कौन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, चार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी वर्क क्या हो गया, वी इंटू क्यू हो गया। इस पे से वी चाहिए तो वी को सब्जेक्ट बनाया तो डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। बस यही वी हमने इक्वेशन में रखा, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और वन अपॉन आई एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क हो गया, अब ये चार्ज है, चार्ज का भी कोई डायमेंशन नहीं है तो चार्ज को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे, हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्या, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो उस पे से क्यू इज इक्वल टू आई टी रख देंगे, तो क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, आई टी रख देंगे, वन अपॉन आई। वर्क क्या होता है, अभी हमने देखा फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दिया, यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू टी हो गया। फोर्स का डायमेंशन हमने याद रखा था एम रेस टू वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू माइनस टू। डिस्टेंस यानी क्या, मीटर, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, एल का पावर वन, डिवाइड बाई ये जो करंट है उसका यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर का डायमेंशन होता है ए, तो ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और पावर दो है तो दो लिख लिया। टाइम यानी सेकंड, सेकंड यानी टाइम का डायमेंशन टी रेस टू पावर वन है तो वन कर दिया। अब यहाँ पे एम रेस टू वन, ये एल का पावर वन, एल का पावर वन, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी रेस टू माइनस टू हो जाएगा, ए रेस टू टू, टी रेस टू वन एज इट इज। अब बाद में एम रेस टू वन, एल रेस टू टू, टी रेस टू ये ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री हो जाएगा, और लास्ट में ये ऊपर जाएगा तो ए रेस टू माइनस टू आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें एक और नया डायमेंशन जानने को मिला, ए वाला। तो अभी तक हमने एम एल टी देखा, अब एक और ऐड हो गया। ठीक है, एक और ऐड, नया ऐड कराते हैं।
कैसे बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी हम थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसका इक्वेशन याद रख लेंगे, PV = KT, जहां पे P जो होता है प्रेशर होता है गैस का, V होता है वॉल्यूम गैस का, और T टेम्परेचर गैस का, और ये जो K है उसे बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। हमें बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है तो K = PV/T लिख लेंगे। P यानी क्या? प्रेशर, प्रेशर यानी क्या? फोर्स पर एरिया, ठीक है। V यानी वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा है उसका यूनिट मीटर क्यूब, तो ये भी आ गया। T यानी टेम्परेचर, अब नया आया डायमेंशन, एक टेम्परेचर का डायमेंशन होता है थीटा, तो टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा का पावर 1 हो गया। फोर्स का डायमेंशन हमने याद रखा था m^(1), l^(1), t^(-2) डिवाइड बाई एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पे मीटर क्यूब और θ^(1) टाइम टेम्परेचर का, यहाँ पे मीटर स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक मीटर बचेगा, θ^(1), ये मीटर लेंथ होगा, लेंथ का 1 आ जाएगा, ये l का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे m^(1), l^2), t^(-2), थीटा ऊपर ले आएंगे, ये ऊपर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये रहा बोल्ट्स कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक है, जिसमें एक नया हमें डायमेंशन जानने को मिला, टेम्परेचर का थीटा, और यहाँ पे करंट का एम्पियर, एम्पियर का डायमेंशन ए। सो आई होप आपको ये डायमेंशन कैसे निकालने हैं समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन लिखा है, आप अपने आप से डेंसिटी और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशन निकाल लेना। आगे बढ़ लेते हैं न्यू टॉपिक पे। न्यू टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, तो वो हमें ये बताता है कि जो सिमिलर क्वांटिटीज होती है उनको हम ऐड कर सकते हैं या उन्हें हम सब्ट्रैक कर सकते हैं। यानी अगर दो क्वांटिटी के डायमेंशन सेम है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं या उसे सब्ट्रैक कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डायमेंशन है या डिफरेंट यूनिट्स है तो ऐड और सब्ट्रैक नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे लिख के रखा है कि सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर क्वांटिटी सिमिलर है, उनके डायमेंशन या फिर उनके यूनिट सेम है, तभी जाके उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, क्या हम बोल सकते हैं 5 kg वाटर में 2 किलोमीटर रोड हम ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं ऐड कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 5 kg और 2 किलोमीटर दोनों सिमिलर क्वांटिटी नहीं है, दोनों के यूनिट डिफरेंट है, दोनों के डायमेंशन डिफरेंट है। क्या हम 5 kg वाटर को 2 सेकंड में ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे क्वांटिटीज सिमिलर नहीं है, क्वांटिटीज डिफरेंट है, ठीक है। क्या हम 5 kg वाटर को 2 kg सॉल्ट में और ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केजी है, यहाँ पे केजी है, यूनिट सेम है यानी डायमेंशन सेम है, तो ये हो गया सिमिलर क्वांटिटी। तो सिमिलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब अगर a+b = c+d है या फिर a-b = c-d है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये a, b, c और d, ये a, b, c और d, ये क्या हो गए? सिमिलर क्वांटिटीज हो गए। तो a, b, c, d आर सिमिलर क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, सिमिलर क्वांटिटी को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल होमोजेनिटी है उसका क्या एडवांटेज है? एडवांटेज हम न्यूमेरिकल से समझेंगे। फिलहाल के लिए सिमिलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड किया तो क्या मतलब निकला? दोनों के डायमेंशन सेम, दोनों के यूनिट सेम। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किया यानी दोनों के डायमेंशन सेम या फिर यूनिट सेम। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ काम आता है। तो न्यूमेरिकल लिखा है v = a+bt है, ठीक है, एक इक्वेशन दिया है जहां पे v जो है क्या बताता है? वेलोसिटी, और t जो है वो क्या बताता है? टाइम। तो हमें क्या ढूंढना है? फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b के, ये a और ये b का डायमेंशन हमें ढूंढना है। v और t के डायमेंशन दिए हैं, यूनिट दिए हैं, v वेलोसिटी है, t टाइम है, a और b बताओ उसका क्या डायमेंशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल में इस तरीके के v = a+bt लिख लिया, आप सारे इक्वेशन को एक साइड कर देंगे, तो ये a यहां पे गया, माइनस आ गया, ये पूरा यहां पे गया, माइनस भी आया, यानी v - a - bt बराबर किसके? बराबर 0। अब इसके करने के पीछे का कारण क्या है? सिंपल सा कारण है, यहां पे क्या हम बोल सकते हैं? v का डायमेंशन, a का डायमेंशन और bt का डायमेंशन सेम होगा। क्यों? अभी पढ़ा हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड और सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड। तो यहां पे हम एक बात समझ में आ गई, क्या? कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मेरे को किसका a का डायमेंशन चाहिए तो मैं बोलूंगा कि डायमेंशन a का जो होगा वो v के डायमेंशन के बराबर होगा या फिर bt के डायमेंशन के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा कि डायमेंशन a का जो है
ए का डायमेंशन वो किसके बराबर है, वी के बराबर है, और वी क्या देके रखा है, वेलोसिटी, यानी ए का डायमेंशन जो है वेलोसिटी के बराबर यानी मीटर पर सेकंड के बराबर, यानी ए का डायमेंशन जो है मीटर यानी लेंथ, लेंथ का पावर 1 के बराबर, नीचे टाइम है टी रेस टू 1, ऊपर जाके टी रेस टू माइनस 1 हो जाएगा। सो एम रेस टू 0, एल रेस टू 1, टी रेस टू माइनस 1, ये किसका डायमेंशन हो गया, ए का डायमेंशन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे बी का डायमेंशन ढूंढना है, बी का, तो मैं बोल सकता हूं कि जो बी टी का डायमेंशन होगा वो ए के बराबर होगा, यहाँ पे लिखा है जो बी टी का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो बी टी का डायमेंशन ए का डायमेंशन तो ये रहा, एम रेस टू 0, एल रेस टू 1, तो लिख लिया, ठीक है। बाद में हमें किसका चाहिए, बी का चाहिए, तो बी को सब्जेक्ट बनाया, टी को नीचे भेज दिया, टी यानी टाइम, टी रेस टू माइनस 1 हो गया, तो एम रेस टू 0, एल रेस टू 1, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हमें बी का डायमेंशन मिल गया। तो ये एडवांटेज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, सिमिलर डायमेंशन और सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक और देख लेते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स का डायमेंशन ढूंढना है, इफ वाई इज इक्वल्स टू tan xt, जहां पे t जो है वो टाइम है, ये जो t है वो टाइम है, और y जो है वो डिस्टेंस नहीं है, यानी ये कोई अलग ही क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ t का डायमेंशन पता है। तो हमें ढूंढना किसका डायमेंशन है, x का डायमेंशन ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, तो दिया क्या है, y इज इक्वल्स टू tan xt, ये xt जो है वो क्या होगा, थीटा होगा, tan थीटा, तो y इज इक्वल्स टू tan थीटा, जनरली sin थीटा, cos थीटा ऐसा आता है, तो ये tan थीटा हो गया। ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर कराते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, कि ये जो xt है वो कुछ नहीं लेकिन थीटा है, तो xt बराबर क्या हो गया, थीटा। हमें किसका डायमेंशन चाहिए, x का, तो हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो थीटा बाई टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया, और हमने अभी देखा था कि एंगल क्या है, एंगल के पास यूनिट तो है, क्या है, रेडियन या फिर डिग्री, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं है। तो थीटा का डायमेंशन क्या हो गया, एम रेस टू 0, एल रेस टू 0, टी रेस टू 0, और टी यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन टी रेस टू 1, बस ये एम रेस टू 0, एल रेस टू 0, और टी रेस टू माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, तो ये रहा हमारा एक्स का डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं कि कोई पैरामीटर है या कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हमें पता नहीं है, उसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट के यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका एप्लीकेशन कौन सा है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। तो पहला तो ये एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये नया दूसरा एप्लीकेशन है कि टू चेक इफ गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, दिया गया जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं। इसके पहले हमने कौन सा देखा था, याद हो तो इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा था, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या हमने फाइंड किया था, अननोन डायमेंशन ढूंढा था। उसी तरीके से अब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका क्या यूज है वो देख लेते हैं। तो पहला यूज है टू चेक इफ गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज, पहला यूज क्या है, जो हमें न्यूमेरिकल दिया गया है, कोई इक्वेशन दिया गया है, वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं वो हमें चेक करना है, वो फर्स्ट एप्लीकेशन है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिख के रखा है एस इज इक्वल टू वी टी, ये इक्वेशन दे के रखा है और पूछा है चेक करो सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस क्या है, एस, एस यानी क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसका यूनिट मीटर यानी लेंथ, लेंथ इसका डायमेंशन एल रेस टू 1, यानी एम रेस टू 1, एल रेस टू 1, टी रेस टू 0 हो गया। यानी एल एच एस पे हमें क्या यूनिट मिला है, एल एच एस पे हमें यूनिट मिला है एम रेस टू 0, एल रेस टू 1, टी रेस टू 0। अगर सेम यूनिट अगर हमें आर एच एस पे भी आ जाता है, यानी इसका यूनिट भी इसके बराबर आ जाता है, तो हम बोल देंगे कि हाँ दोनों साइड यूनिट या फिर डायमेंशन सेम है, तो दिया गया इक्वेशन करेक्ट है। तो अब हम चेक करते हैं आर एच एस साइड, वी इंटू टी, वी यानी वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल कर सकते हो यहाँ से सीधा, ठीक है। और एल रेस टू 1 यानी एम रेस टू 0, एल रेस टू 1, टी रेस टू 0। आर एच एस का डायमेंशन क्या, एल एच एस के बराबर है, हाँ एल एच एस के बराबर है, यानी हम क्या बोल देंगे, दोनों साइड डायमेंशन सेम, तो दिया गया इक्वेशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, यहाँ पे ई बराबर एम सी स्क्वायर है और पूछा है चेक करो कि दिया गया इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो वापस से हम एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस क्या है, एनर्जी, अभी हमने देखा वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी क्या हो गया, वर्क, वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशन हमने याद रखा था एम रेस टू 1, एल रेस टू 1, टी रेस टू माइनस 2, डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल रेस टू 1, ये एल रेस टू 1, एल रेस टू 1 स्क्वायर हो जाएगा, सो एम रेस टू 1, एल स्क्वायर, टी रेस टू माइनस 2, तो ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें एल एच एस का डायमेंशन।
अब RHS का देखेंगे, RHS कौन सा है, MC स्क्वायर, M यानी मास, KG, C यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, KG यानी मास, मास का डायमेंशन M रेस टू 1, ये मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L रेस टू 1, सेकंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन T रेस टू 1, पूरे का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, M रेस टू 1, L स्क्वायर, ये स्क्वायर नीचे दे दिया, ये T ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, तो RHS का डायमेंशन आ जाएगा M रेस टू 1, L स्क्वायर, T रेस टू माइनस 2, जो LHS के बराबर है, तो हम बोल देंगे कि LHS बराबर RHS, यानी दिया गया इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। तो ये पहला यूज है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। अब हम इसका दूसरा यूज पढ़ लेते हैं। दूसरा यूज क्या है, टू राइट द इक्वेशन जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर ऑन व्हिच गिवन क्वांटिटी डिपेंड। यानी क्या, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर हमें याद ना हो तो वो दी गई क्वांटिटी का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, हमें इतना पता होना चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका इक्वेशन हमें लिखना है वो कौन से फैक्टर्स, कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, बस इतना हमें पता होना चाहिए तो हम इक्वेशन बना सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। कैसे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखे रखा है, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स। सपोज करते हैं फोर्स का इक्वेशन हमें पता नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, फोर्स का इक्वेशन F बराबर M होता है लेकिन पता नहीं है अभी, सपोज करते हैं, लेकिन फोर्स किस पे डिपेंड करता है वो पता है, मास पे और एक्सेलरेशन पे, इतना हमें पता है, तो क्या हम फोर्स का इक्वेशन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। कैसे, तो उसका एक कॉमन प्रोसीजर है, हर एक न्यूमेरिकल में वही फॉलो करना है। यहाँ पे देके रखा है फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शन में है, मास पे डिपेंड करता है, तो मास का पावर एक्स कर दिया। अब ये पावर कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस 1, माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है दूसरा, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे, तो फोर्स एक्सेलरेशन के पावर वाई पे डिपेंड करता है, कितना पावर है पता नहीं है। ये दोनों इक्वेशन पे से हम बोल सकते हैं फोर्स किसके प्रोपोर्शन में, एम रेस टू एक्स, ए रेस टू वाई में। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट निकाल के हम इज इक्वल टू साइन लगाते हैं और एक कॉन्स्टेंट के लिख देते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा इक्वेशन 1। अब अभी हमने लिमिटेशन पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस का, क्या कि वो कांस्टेंट का वैल्यू नहीं देता, तो के को हम निकाल देंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन पे से फोर्स का डायमेंशन ये साइड लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन याद रखा था, एम रेस टू 1, एल रेस टू 1, टी रेस टू माइनस 2 लिख लिया हमने। बाद में ये मास यानी उसका डायमेंशन क्या होता है, एम, एम रेस टू 1 का पावर एक्स, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी एल रेस टू 1 पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वायर रेस टू वाई। आगे बढ़ लेते हैं, एज इट इज लिख लिया, एम का पावर एक्स, एल का पावर वाई, ये टी का पावर माइनस 2 आ जाएगा। बस अब क्या करेंगे, ये जो एम का पावर 1 है उसे हम एम के पावर एक्स से कंपेयर कराएंगे, यानी बेस सेम है तो एक्स बराबर 1 मिल गया हमें। उसी तरीके से ये एल का पावर 1 है वो एल के पावर वाई से कंपेयर कराएंगे, बेस सेम है तो वाई बराबर 1 मिल गया हमें। उसी तरीके से टी का पावर माइनस 2 है उसे कंपेयर कराएंगे, टी का पावर माइनस 2 वाई, यानी बेस सेम है तो माइनस 2 वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन कैंसिल, यानी y बराबर 1 मिल जाएगा, यानी वेरीफाई हो गया कि y का वैल्यू 1 ही है। बस एक बार हमें x और y की वैल्यूज मिल गई, ये x और y की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे, पुट x एंड y इन इक्वेशन 1, सो f इज इक्वल्स टू k m रेस टू 1 a रेस टू 1, सो m a आ गया और k कांस्टेंट है, उसका वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस देता नहीं है, जो उसके लिमिटेशन है, तो f बराबर m a आ गया, सो डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमें देखे रखा है एनर्जी, एनर्जी का इक्वेशन लिखना है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट और मास पे, ठीक है। तो हम बना लेंगे वापस से सेम प्रोसीजर, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास का पावर एक्स, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट यानी सी हमें पता है, सी का पावर वाई, दोनों पे से हम बोल देंगे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू एक्स, सी रेस टू वाई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के कांस्टेंट रख देंगे, लेकिन लिमिटेशन है, वैल्यू देता नहीं है तो हम निकाल देंगे। एनर्जी क्या है, फॉर्म ऑफ वर्क, वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी यानी क्या, वर्क, वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। मास केजी में आता है यूनिट, रेस टू एक्स, सी यानी स्पीड, मीटर पर सेकंड, रेस टू वाई, फोर्स का डायमेंशन हमने याद रखा था, एम रेस टू 1, एल रेस टू 1, टी रेस टू माइनस 1 और 2, सॉरी, और यहाँ पे डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ रेस टू 1, केजी यानी मास का पावर एक्स, मीटर एल रेस टू 1, सेकंड टी रेस टू 1, वाई, एम रेस टू 1, ये एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एम रेस टू एक्स, एल रेस टू वाई, टी रेस टू ऊपर जाके माइनस वाई हो जाएगा। बस अब एम रेस टू 1 और एम रेस टू एक्स कंपेयर करो, एक्स बराबर 1 मिल गया, एल स्क्वायर और एल रेस टू वाई कंपेयर करो, वाई बराबर 2 मिल गया, ये टी रेस टू माइनस
माइनस टू टी रेस टू माइनस वाई कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो वाई बराबर टू, बस वाई बराबर टू वेरीफाई हो गया। ये एक्स और वाई की वैल्यू हम किस में रख देंगे, हमारे इक्वेशन में रख देंगे, तो ई बराबर के एज इट इज एम का पावर एक्स, एक्स कितना है वन है, और सी का पावर कितना है, सी का पावर वाई है, और वाई कितना ढूंढा हमने, टू ढूंढा, तो टू, और इसका वैल्यू देगा नहीं डायमेंशनल एनालिसिस, तो हमें मिल गया ई का इक्वेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर। सो आई होप सेकंड एप्लीकेशन भी समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन लिखा है, ठीक है, तीन कंक्लूजन लिखे हैं। कौन से तीन कंक्लूजन लिखे हैं, कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस वो किसके लिए यूज होता है, टू फाइंड दी डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। जैसे कि हमने दो न्यूमेरिकल देखे थे, कौन से थे अगर आपको याद हो तो, कि कुछ ऐसा कुछ था ए इज इक्वल्स टू वी माइनस बी टी, ऐसा कुछ था हमें, उसमें से ए और बी का डायमेंशन ढूंढा था, फिर था टेन एक्स टी था, ठीक है, उसमें से हमने वाई इज इक्वल टू टेन एक्स टी, उसमें से हमने एक्स का डायमेंशन ढूंढा था, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। कोई अननोन पैरामीटर है जैसे कि एक्स ए बी, उसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू चेक इफ गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, दिया गया इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। कैसे चेक करते थे, e बराबर mc स्क्वायर, तो हम इसका डायमेंशन निकालते थे LHS का, फिर RHS का, अगर LHS और RHS का डायमेंशन सेम है तभी हम बोलेंगे कि दिया गया इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का। और थर्ड एप्लीकेशन अभी अभी हमने देखा कौन सा, डायमेंशनल एनालिसिस यूज्ड टू राइट द इक्वेशन जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर ऑन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडिंग, ठीक है। जैसे कि फोर्स का हमें इक्वेशन लिखना है लेकिन फोर्स का इक्वेशन हमें पता नहीं है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो ऐसे कुछ इक्वेशन बनाया था और फाइनल आंसर फाइंड किया था। तो ये रहा कंक्लूजन। आगे बढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी क्या, जो हमें डिजिट देके रखा है वो डिजिट में से कितने नंबर्स हमें कंसीडर करने हैं और कितने नहीं करने हैं, कितने फिगर्स कंसीडर करने हैं और कितने नहीं करने हैं, उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव टू कंसीडर एंड वी हैव नॉट टू कंसीडर इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब कैसे, उस तो समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल लेंगे तब। फिलहाल के लिए सिग्निफिकेंट फिगर यानी क्या, कितने डिजिट कंसीडर करने हैं, इतने तक ही हमें याद रखना है। अब कितने डिजिट कंसीडर करने हैं वो कैसे पता लगाए, तो उसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम याद रख लेंगे जिससे करके हम पता लगा पाएंगे कि कितने फिगर्स सिग्निफिकेंट है और कितने नहीं है। तो सबसे पहले रूल्स से स्टार्ट करेंगे। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 3.144, थ्री नॉन जीरो, वन नॉन जीरो, फोर नॉन जीरो, फोर नॉन जीरो, यानी इसमें नॉन जीरो सारे नॉन जीरो, तो वन टू थ्री फोर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, फोर। ऐसे ही 2.123, इसमें भी कोई जीरो है नहीं, सारे नॉन जीरो है, तो अभी देखा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो वन टू थ्री फोर, तो ये चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे 3.1, ये भी नॉन जीरो है डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, तो वन टू, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 57.9, ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, वन टू थ्री, यानी हो गया थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, कब, जब वो जीरो जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर होता है तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4.03 है, तो ये तो नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है। अब जीरो किसके बीच में है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, यानी जीरो भी अब सिग्निफिकेंट हो जाएगा ये रूल के हिसाब से। ऑल नॉन जीरोज, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, यानी वन टू थ्री, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही 2.001, ये दो जीरो है लेकिन ये दो जीरो किसके बीच में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो उसे भी सिग्निफिकेंट मानना पड़ता है रूल नंबर टू के हिसाब से। तो 1 2 3 4, फोर सिग्निफिकेंट फिगर। 30053, ये थ्री नॉन जीरो, फाइव नॉन जीरो, थ्री नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट है ही है, लेकिन ये दोनों जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो इसे भी सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है एंडिंग जीरोस
आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोस होने चाहिए, और वो एंडिंग जीरो कैसे होने चाहिए, वो एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल होने चाहिए, तभी जाके वो जीरो को हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके लिखा है 2.40, ये तो नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, और ये जो जीरो है वो क्या एंडिंग जीरो है, हाँ एंडिंग जीरो है, लेकिन क्या ये जो जीरो है वो आफ्टर डेसिमल है, डेसिमल के बाद का है, तो हाँ डेसिमल के बाद का है। तो ये क्या बोलता है, एंडिंग जीरो अगर हो और आफ्टर डेसिमल हो तो उसे हम सिग्निफिकेंट मान लेंगे, यानी ये भी सिग्निफिकेंट है, यानी 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। उसी तरीके से 3.000, 3 तो नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होने ही वाला है, क्या ये एंडिंग जीरो है, हाँ एंडिंग जीरो है, क्या ये एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल है, हाँ आफ्टर डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, यानी 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है 420, तो ये नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, तो ये दो हो गया, क्या ये एंडिंग जीरो है, हाँ सर एंडिंग जीरो है, क्या ये आफ्टर डेसिमल है, नहीं आफ्टर डेसिमल नहीं है, आफ्टर डेसिमल नहीं है, यानी ये नॉन सिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट कब होगा, आफ्टर डेसिमल होना चाहिए और एंडिंग में होना चाहिए, तो इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट है 3400, तो यहां पे क्या ये एंडिंग जीरो है, हाँ एंडिंग जीरो है, क्या आफ्टर डेसिमल है, नहीं आफ्टर डेसिमल नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गए, नहीं तो 3 और 4 यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, नेक्स्ट रूल है, जो स्टार्टिंग के जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते नहीं है, जैसे कि 0.0042, तो ये स्टार्टिंग के जीरो होगा, ये एंडिंग जीरो नहीं है, स्टार्टिंग के जीरो है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। 42 यानी दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये एंडिंग स्टार्टिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट है नहीं, ये सिग्निफिकेंट है नहीं, 1 नॉन सिग्निफिकेंट, 1 क्या है नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, और ये जो जीरो है वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। अभी हमने रूल देखा था नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट है, यानी ये भी सिग्निफिकेंट है। और दूसरा हमने देखा था कि एंडिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं लेकिन आफ्टर डेसिमल, तो ये जो अपना जीरो है वो आफ्टर डेसिमल है और एंडिंग है, यानी ये भी सिग्निफिकेंट है, यानी 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं 0, 5, 3, ये स्टार्टिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, ये 5 और 3 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट रूल है पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, 10 के पावर में कुछ भी होगा तो वो सिग्निफिकेंट होने वाला नहीं है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2.4 × 10⁶ 10 के पावर में है तो नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, नॉन जीरोस है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यह 3.0 × 10⁷ 10 के पावर में जो भी होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 3 सिग्निफिकेंट है, ये एंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल है, यानी ये भी सिग्निफिकेंट, यानी 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 4.02 × 10⁻⁷ 10 के पावर में जो भी होगा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये एक सिग्निफिकेंट, ये एक सिग्निफिकेंट, और ये जो जीरो है वो बिटवीन 2 नॉन जीरो है, यानी ये भी सिग्निफिकेंट, यानी टोटल हो जाएंगे 3, ठीक है। और आखिरी रूल है कि प्योर नंबर्स एंड कांस्टेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, प्योर नंबर होंगे या कोई कांस्टेंट होगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है या फिर उसका सिग्निफिकेंस इनफाइनाइट है, इतना याद रखना है। जैसे कि एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक प्योर नंबर हो गया, तो इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मटेरियल के कांस्टेंट होते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है 10⁸ के पावर में, ठीक है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए उसका भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस हो गया। और वैल्यू ऑफ पाई कितना होता है, 22/7 3.14, बहुत आगे जाता है, वो भी एक कांस्टेंट है, तो ये भी हो गया नॉन सिग्निफिकेंट या इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस। अगर ये सारे रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो ये सारे न्यूमेरिकल अच्छे से आ जाएंगे हमको। पहला न्यूमेरिकल है 0.020, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ढूंढना, एकदम आसान, स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये तो स्टार्टिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये एक सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो इसलिए, और ये जीरो एंडिंग जीरो है और आफ्टर डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, यानी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है 2.341, सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो, तो 4 सिग्निफिकेंट हो गए। ये है 2.10 × 10⁸ 10 के पावर में कुछ भी होगा नॉट सिग्निफिकेंट, अभी देखा, और ये एक सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, ये एंडिंग जीरो है लेकिन आफ्टर डेसिमल है, यानी ये भी सिग्निफिकेंट, यानी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.0213, अभी रूल देखा, इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, 213, तो हो गया टोटल 1, 2, 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर। ये हो गया 0.004200, इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये एक सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट, और ये क्या हो गया, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, और वो भी आफ्टर डेसिमल, तो ये भी सिग्निफिकेंट, यानी 1, 2, 3, 4 4 आ गया आंसर। ये है 26001, एक सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट,
सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है इसलिए, और ये दो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 5 आ गया। आगे बढ़ लेते 31.00, एक सिग्निफिकेंट दो सिग्निफिकेंट, ये कौन से है, एंडिंग जीरो है लेकिन आफ्टर डेसिमल है तो ये भी सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 4 आएगा आंसर। 120, एक सिग्निफिकेंट दो सिग्निफिकेंट, ये एंडिंग जीरो है, हाँ क्या आफ्टर डेसिमल है, नहीं तो ये नॉट सिग्निफिकेंट, तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है 132 10 6, 10 के पावर में कुछ भी नॉन सिग्निफिकेंट। 13 सिग्निफिकेंट, ये जीरो आफ्टर डेसिमल नहीं है लेकिन एंडिंग है, आफ्टर नहीं है, यानी ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, यानी 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 22 by 7, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस कैसा होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें क्या याद रखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, सिंपली ये स्टेटमेंट याद रखना है, कंसीडर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर। हमको मिनिमम सिग्निफिकेंट से मतलब है, मिनिमम सिग्निफिकेंट से मतलब है, कैसे देख लेते हैं। जैसे कि 6.4 × 0.2 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.28। ये आंसर करेक्ट नहीं है, टेक्निकली करेक्ट नहीं है, ऐसे तो करेक्ट है 1.28, लेकिन कोई पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तब ये आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो उसके लिए हमें क्या रूल याद रखना है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन का, कि मिनिमम सिग्निफिकेंट जो फिगर होगी वही आंसर में लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे 6.4 दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 0.2 स्टार्टिंग जीरो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, ये अपना एक ही सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, एक है, यानी आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमें तो जो मिनिमम होगा वही यहाँ पे आना चाहिए, मिनिमम 1 है, तो यहाँ पे हमें ये 1 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट 1 होना चाहिए इसके अंदर, 1 यानी यहाँ पे सपोज 2 आया तो भी 1 आएगा, जैसे कि इसका आंसर है 2.38। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट 1 है तो आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, समझ में आ गया होगा शायद से। अच्छा, डिवीजन की बात करें, सेम रूल 36.48/12, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 4 है, यहाँ पे कितने है, 1 2 है, हमें किसका देखना है, हमें देखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है, यानी ये जो आंसर है इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3.0। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कैसे, ये तो 3 नॉन जीरो, ये आफ्टर डेसिमल और एंडिंग जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.0। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल समझ में आ गया होगा। अब लास्ट रूल देखते हैं, सॉरी ये कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें क्या याद रखना है, आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर याद रखनी है। जो आगे जो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन वाला, उसमें आफ्टर डेसिमल नहीं था, पूरा का पूरा देखते थे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके अंदर आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। यहाँ पे लिखा है कंसिडर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, 2.42 + 1.32 + ये आंसर आया। ठीक है, ये आंसर फाइनल नहीं है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है कैसे चेक करेंगे, अभी देखा हमने क्या आफ्टर डेसिमल देखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। जितने आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही आंसर में आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल की बात करें तो 4 2 दो सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल ही देखना है, किसमें, मल्टीप्ली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे 1 है, यानी आंसर के अंदर भी आफ्टर डेसिमल कितना आना चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही आना चाहिए, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, 3.9। एक और देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा, 14.5 + 3.28 + 0.123 ये आंसर है। ठीक है, एक्चुअल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्या देखेंगे, आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अपने को आफ्टर डेसिमल मिनिमम देखना है तो मिनिमम कितना है, 1 है, यानी आंसर में भी आफ्टर डेसिमल 1 ही आना चाहिए, आफ्टर डेसिमल 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, यानी इसका आंसर आएगा 17.9। मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या याद रखा था, मल्टीप्लिकेशन में हमने याद रखा था पूरा देखना है और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, तो पूरा देखा 2 है, यहाँ पे इनिशियल जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट 2, यानी आंसर के अंदर कितना आना चाहिए, टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 0.74 आ जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्यों, इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट आ गया। ठीक है, अब वापस से एडिशन का देख लेते हैं, 6.2 0.12। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है, आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, तो आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 1 है सिग्निफिकेंट, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 है, यानी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए आंसर में, कहाँ, आफ्टर डेसिमल, तो आफ्टर डेसिमल 1 होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आफ्टर डेसिमल कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 6.2।
3। सो आई होप ये जो चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसके सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।